अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो हम जो है वो इसको देखते हैं कि क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कोई भी ऐसे टर्म जो कि मैथ्स के अंदर एक सिंबल को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और उसके अंदर कोई भी हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये डिपेंड करती है दूसरी वैल्यूज के ऊपर जो एक्सप्रेशन में आपको गिवन होती हैं, और उन वैल्यूज़ को जो है हम कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली बोलते हैं, या हमारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और हमें जैसे कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, द रूट्स आर ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स जो है वो कोई भी वेरिएबल है और हम उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक इन दिस पिक्चर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स डैट मेक्स द फंक्शन बी 0। यहाँ पर एक्स की क्या एक्चुअली वैल्यू थी जो हमने इस फंक्शन के अंदर पुट की है, तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया है और वो 0 के इक्वल हो गया है। तो ऐसा जो आपका एक्सप्रेशन होता है जिसपे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन वैल्यूज़ को वेरिएबल्स जो हैं वो टर्म्स होती हैं जिसमें आप कोई भी वैल्यू जो है वो प्लेस कर सकते हो, और वो टाइमली जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है। ये आपको एक इक्वेशन जो है बताया गया है। तो हमने जो है हमारा टॉपिक वो है कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, यानी जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन जिसपे सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। यानी इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच देर इज ओनली वन वेरिएबल यूज्ड। द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, वेयर ए एंड बी आर टू इंटीजर्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल एंड हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। यानी आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको आप लीनियर इक्वेशन कहते हो। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ए और बी जो है ये कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स आप इनको कह लें, जिनमें आपने कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 सो ऑन। एक्स जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने एक्चुअली डिटर्मिन करनी है, जिसकी वैल्यू हमने कंप्यूट करनी है। तो इसका जो है, अगर एक वेरिएबल है तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है इस वेरिएबल की, 1 है, ठीक है। अगर इस पे जो है एक्स स्क्वायर होता तो इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती और इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होती। तो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास जो है वो 1 है उसकी डिग्री, ये आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशन है, और इसमें आपने इस एक्स की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन करनी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल एक्स हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए। फॉर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल की क्वांटिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक x1 प्लस x2, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मैं मोल्ड कर दूं ax1 प्लस bx2, तो ये जो है आपकी चेंज हो के एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन वो रहेगी फिर भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसमें हम सिर्फ एक्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है अपने गिवन फंक्शन में। इस वजह से जो है हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, या इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहेंगे। हाँ, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये तब होती अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0 होता, ठीक है। अब इनको ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमें मेथड्स दिए गए हैं, उन मेथड्स में हमने दो चीज़ें जो है वो देखनी है। जब भी हम किसी मैथमेटिकल मॉडल के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमें जो है दो चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होता है, कि एक तो वो मॉडल जो है वो स्पीडी वर्क करे, और दूसरा वो एक्यूरेट रिजल्ट दे, यानी फ्री ऑफ एरर, या बिल्कुल लीस्ट एरर या मिनिमाइज्ड एरर हो उसके अंदर। स्पीड जो है ये इम्पॉर्टेंट है लार्ज सिस्टम्स को डील करने के लिए, क्योंकि जब हमें कंप्यूटेशंस जो हैं वो लार्ज वॉल्यूम में दे दी जाती हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो मॉडल होता है वो डिक्रीज कर जाता है स्पीड में, ठीक है। तो हमने बेस्ट मॉडल चूज करना है फॉर सॉल्विंग आर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि स्पीडी आपका आंसर जो है वो कंप्यूटेशन
कर सके. और एक्यूरेसी जो है ये क्यों नेसेसरी है, बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ एरर्स इन्वॉल्विंग इन परफॉर्मिंग दीज कंप्यूटेशंस. जब हम इन कंप्यूटेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें जब वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना होता है तब एरर्स जनरेट होते हैं, तो उसके लिए हमें जो है एक्यूरेट आंसर चाहिए. तो मैथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस में जो डिफरेंट मैथड्स होते हैं उसके लिए हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हम स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर उनको जज कर सकें. जी, तो दो मेथड्स हैं जिनसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. एक आपका डायरेक्ट मेथड है और एक आपका इनडायरेक्ट या जिसको आप आइटरेटिव मेथड बोलते हो वो होता है. डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है, इट कैलकुलेट्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विदाउट एनी इनिशियल एंड इंटरमीडिएट अप्रोक्सीमेशंस इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. आप महदूद स्टेप्स के अंदर रहते हुए, फाइनाइट स्टेप्स में रहते हुए कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करते इनिशियली, ठीक है. यानी हम जो है वो कुछ भी स्कोर्स नहीं करते इसमें, हमें जो दिया गया होता है हम उसके साथ ही जो है वो डील करते हैं. इन मेथड्स के लिए आप क्रामर यूज़ करोगे, गॉशियन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे और ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन जिसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं. इन तीन मेथड्स से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. दीज थ्री मेथड्स आर डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. इनडायरेक्ट मेथड जो है वो क्या होता है, एन इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट्स विद एन इनिशियल सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस. इसमें आप जो है इनिशियली कुछ अप्रोक्सीमेट करते हैं और उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो उसमें प्रोसीड करते हैं. ये एक आइटरेटिव मैनर होता है जिसमें आप जो है वो क्या करते हैं, आइटरेशंस परफॉर्म करते हैं, सीक्वेंस जनरेट करते हैं और उसमें आप अपना आंसर जो है वो डिराइव करते हैं. इनके जो है इनडायरेक्ट मेथड के जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स है वो है जेकॉबिस मेथड एंड गॉस सीडल मेथड. आज जो हमने डिस्कस कर ली है वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड्स हैं. हम डायरेक्ट मेथड्स के ऊपर जो है वो आज बात करेंगे. जो तीन मेथड्स हमने देखने हैं, क्रामर्स रूल, गॉशियन एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन मेथड. सबसे पहले हम देखते हैं क्रामर्स रूल क्या होता है. ये सिंपल क्रामर रूल है जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं एट दी एलिमेंट्री लेवल. तो इसमें क्या होता है, आपका क्रामर्स रूल में हम एक मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करते हैं थ्रू इक्वेंस और उसके साथ जो है हम फर्दर डील करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्रामर्स रूल द इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला होता है क्रामर रूल्स का, एक्स आर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर इज exactly the same as determinant of A except the rth column of determinant of A which has been replaced by columns of constants. yani humne jo hai kya karna hai, replacement karni hai columns ki constants ke sath jabki determinant jo hai wo same rahega. ab isme jo hai hum isko example ke sath mazid dekhenge. hame ye jo hai equations given hai. ab aap dekh sakte hain ye equation in one variable hai, x ki value 1 2 3, sirf तीन दफ़ा जो है ये यूज़ हो रहा है लेकिन वेरिएबल सेम है हमारे पास. तो इस वजह से ऐसी क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहलाएगी, ठीक है जी. अब हमें जो है ये तीन इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है. सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर स्टेप वन में, ठीक है. अब यहाँ पर जो हमें एक्स के कोफिशेंट थे, ठीक है, उसके साथ जो है हमने पहला एक मैट्रिक्स जनरेट कर लिया ए का, 7 6 3 3 2 -1 1 4 and 2. ये जो है हमारा आ गया मैट्रिक्स ए. उसके बाद जो हमें वेरिएबल्स गिवन थे x, उसका हमने एक कॉलम जनरेट कर लिया है x1 x2 x3, वेरिएबल्स हमें गिवन थे. और कॉन्स्टेंट्स जो है यानी ये क्वेंस जिसके इक्वल आ रही है ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं आपकी 19 7 and -2. अब यहाँ पर जो है वो प्लेस कर देंगे. तो पहला हमारा स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो गया कि हमने इक्वेंस से मैट्रिक्स डिराइव कर लिए. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट जो है जब 3x3 मैट्रिक्स का हम फाइंड करते हैं, वैसे तो हमें जब 2x2 का गिवन होता है तो हम सिंपल जो है वो क्रॉस में डायगनली जो है हम मल्टीप्लाई करके अपना जो आंसर है वो कंप्यूट करते हैं. लेकिन जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसकी जनरल फॉर्मेट ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, पहली रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट वो आपने लिखना है और पहली रो और पहला कॉलम एलिमिनेट करते हुए आपने ये वाला जो होगा सेकंड जो हमारी ये चीज़ रह जाती है आपने इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है, ठीक है.
आपने क्या करना है, पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। इसको जो है मजीद मैं यहाँ पे आपको एलैबोरेट करके बताती हूँ। यानी ये चीज़ जो है आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, पहली रो और पहला कॉलम आपने ये जो है इसमें से फर्स्ट एलिमेंट अपना लेना है और उसके साथ आपने जो है अपना डिटर्मिनेंट लेना है। माइनस का साइन ये आपके फॉर्मूला का जो है वो साइन है माइनस सिक्स। सिक्स जो है अब सेकंड आपका आ जाएगा, सेकंड आपकी। अब ये आपने ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करना है। ये रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला एलिमेंट आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन सिक्स पे हो रही है वो एलिमेंट लिख दिया। अब आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं 3, 1, -1 एंड 2 ये सिलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद आपने चले जाना है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के ऊपर। इनकी जो है इंटरसेक्शन 3 के ऊपर हो रही है। ये प्लस का साइन फॉर्मूला का है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस। तो उसके बाद आपने ये वाले जो हमारे होंगे 3, 2, 1, 4 एलिमेंट्स, आपने इनको लेके इनका इंडिविजुअल आपने क्या करना है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लेना। अगर इसका आंसर माइनस में आया तो ये वाला जो मॉडुलस का साइन है वो उसको प्लस कर देगा, ठीक है जी। तो 2 इंटू 4 प्लस 4 एंड 1, 4, ठीक है। इस सिंपल जो आपने क्या करना है, ये जो आपको गिवन होगा मैट्रिक्स, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ एंड इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज़ को डिटर्मिन करना है। आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया वो आया 44, ठीक है। ये हमने जो है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट किया है। नेक्स्ट पे जो है हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय रिप्लेसिंग कॉलम्स विद मैट्रिक्स ऑफ बी। हमने बी मैट्रिक्स के साथ अपने जो है वो ए को रिप्लेस करना है। अब जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन जो है वो किस तरह से हम कंप्यूट करेंगे, हमारा यही ओरिजिनल मैट्रिक्स है 7, 3, 1, 6, 2, 4, 3, -1 एंड 2। और आपने बारी बारी जो है अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल्स आपने इसको रिप्लेस करना है। तो एक्स वन के लिए आपने ए वन डिटर्मिन करना है, ठीक है। तो आपने पहली रो पहले कॉलम जो है उसको बी के साथ रिप्लेस कर देना है। ये आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है, 19, 7 एंड -2। बाकी सारा कॉलम वही है जो आपका ए का है। फिर आपने सेकंड जब फाइंड करना है तो आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, ठीक है, बाकी सब वही है। जब थर्ड करना है आपने तो ये सब सेम रहेगी, सिर्फ थर्ड जो कॉलम है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा विद बी, ठीक है। ये अब आपका जो है वो बी कॉलम है और यहाँ पर ये वाला जो है आपका वो बी कॉलम है। आपने ये रिप्लेसमेंट करनी है और रिप्लेसमेंट करने के बाद आपने यही वाला मेथड यहाँ पर यूज़ करना है और इनके डिटर्मिनेंट जो है वो डिराइव करनी है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट का आंसर लिख दिया गया है जो कि 176, -88 एंड 44 आया। स्टेप फोर में हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड डिटर्मिनिंग द आंसर। जो हमें फॉर्मूला गिवन है x1, x2, x3, ये वाला काम जो है ये आपने तब तक करना है जितने आपके जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी x1, x2, x3। अगर x4 होगा तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ 4 भी कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a का आंसर 44 था और a1 का 176 आया सिंपल डिवीजन की। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a2 उसका आंसर कंप्यूट करना है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a3 इसका आंसर कंप्यूट करना है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आए हैं आपके x1, x2, x3 के वो आपके पास 4, -2 एंड 1 है। तो ये है आपका क्रामर रूल, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जो आपने क्रामर रूल से सॉल्व करने हैं जी। नेक्स्ट हमारा मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, इट रिड्यूसेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू ए सिंपलर फॉर्म। सिंपल फॉर्म में जो है लीनियर इक्वेशन को ये रिड्यूस करता है। द मेथड वर्क्स इन टू स्टेजेस, इसकी दो स्टेजेस हैं। एक आपकी आ जाती है फॉरवर्ड स्टेज और एक आपकी आती है बैकवर्ड स्टेज, जिसको आप बैक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फॉरवर्ड स्टेज में क्या होता है, आपने मैनिपुलेशन करनी होती है इक्वेशंस की इन ऑर्डर टू एलिमिनेट सम अननोन्स फ्रॉम द इक्वेशंस एंड प्रोड्यूस एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपने एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करना है और उसमें से आपने एलिमिनेशन करनी है कुछ अननोन जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके। अननोन्स ऑब्वियसली आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें डिटर्मिन करनी होती है और जिनका हमें वैल्यू का नहीं पता कि इनकी एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी।
और बैकवर्ड में आपने क्या करना है, इट इज कंसर्न विद द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एंड यूजेस द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड टू रिड्यूस द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को आपने इसमें रिड्यूस करना है. इसको हम जो है वो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. ये आपको जो है फोर वेरिएबल्स गिवन है, x1, x2, x3, x4, ठीक है, और साथ ही उनके जो पॉइंट में आंसर्स हैं, और आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड. तो पहली जो है हमने इसमें एक चीज़ क्या करनी है, स्टेप वन में हमने ऑपरेशंस ऑन इक्वेशंस को परफॉर्म करना है. द फर्स्ट इक्वेशन इज नाउन एज पिविटल इक्वेशन. इस सिस्टम की जो पहली इक्वेशन है ये आपकी पिविटल इक्वेशन है, ठीक है, और इसको जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा विद x1 उसको हम कहेंगे वो पिविट है. कोफिशियंट ऑफ x1 इज कॉल्ड पिविट. ठीक है, हमने ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे. अच्छा जी, अब हमने पिविट सेलेक्ट कर लिया और डिवाइड करना है हमने उस इक्वेशन को उस पिविट के साथ. इस केस में जो है हमारा पिविट 4 था, हमने इस इक्वेशन को 4 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो न्यू इक्वेशन आ गई. ठीक है जी, उसके बाद हमने एलिमिनेट करना है x1 को फ्रॉम ऑल रिमेनिंग इक्वेशंस. जितनी ये इक्वेशंस आई हैं हमने इसमें से एलिमिनेट करना है. जैसे हम दो इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके उन्हें माइनस करते हैं, हमने एग्जैक्टली वही काम जो है इसमें करना है. अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. ये सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी 8x1 - 3x2 + 8x3 + 17x4 है. अब इसको मैंने जो है वो क्या करना है, इसमें से x1 एलिमिनेट करना है. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन 1 को बाय 8 एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन 2. इस इक्वेशन को मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन में से मैंने माइनस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली x1 ख़त्म हो जाएगा और ये रिमेनिंग इक्वेशन मेरे पास रह जाएगी. ठीक है, इसी तरह मैंने इस इक्वेशन को जो पिविट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई थी उसमें से मैंने नेक्स्ट इक्वेशन देखनी है, उसका पिविट एलिमेंट 12 है, तो मैंने 12 जो है वो सेलेक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उस इक्वेशन में से, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा. और नेक्स्ट में है उसमें हमारे पास अगेन 8 आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन 4, तो हमारे पास फाइनल जो है वो इक्वेशन आ जाएगी. अब हमने इन तमाम इक्वेशंस को जो है वो कंबाइंड फॉर्म में लिखना है आफ्टर एलिमिनेटिंग x1. x1 हमने एलिमिनेट कर दिया. अब हमारे पास ये इक्वेशंस जो हैं वो न्यू आ गई हैं. अब हमने क्या करना है, हमने x2 को एलिमिनेट करना है इसमें से. x2 को एलिमिनेट अगेन हम वो करेंगे कि हमारे पास अब पिविट जो है वो 5 है. ठीक है, ये हमारा पिविट पॉइंट है. अब पिविट पॉइंट हमारा 5 है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को 5 के साथ और हमारे पास सिंपल जो है वो x2 - 0.4x3 + 0.6x4 = 0.8 न्यू इक्वेशन आ गए. अब हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने बाकी जो आंसर्स हैं वो कंप्यूट करने हैं. जी, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में तो हम देख रहे हैं कि आंसर 0 है x2 का, यानी x2 ऑलरेडी एलिमिनेट है, इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. हम जाएंगे सीधा जो 25x2 वाली इक्वेशन के ऊपर. हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 में से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. और ये जो है हमारा, अब इसमें सिर्फ x3 एंड x4 रह गए हैं. तो अब आप देखें कि ये ऑलरेडी एलिमिनेट था, इसमें से हमने एलिमिनेट करके ये इक्वेशन ड्राइव कर ली. ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस. अब हमने क्या करना है, जो न्यू इक्वेशंस आई हैं हमने उनको सिंपल यहाँ पे लिख लेना है. -7x³ + 8x4 = -6 एंड ये -7x³ ये वाली इक्वेशन है आपकी. और ये जो हमने न्यू इक्वेशन ड्राइव की है -21x³ + 35x4 = 7. जी, तो स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हमने एलिमिनेट करना है x3 को. अब हमारा पिविट पॉइंट जो है आप यहाँ देखें, पिविट पॉइंट हमारा 7 है. ठीक है, अब 7 से हमने एलिमिनेट करना है. अगेन वही प्रोसीजर रिपीट करना है कि हमारे पास सिर्फ x4 की वैल्यू आ गई जो कि 1 है. ठीक है, हमने इसको राउंड ऑफ किया और ये जो है हमारे पास 1 है. अब हम रीराइट करेंगे पिविट इक्वेंस को. तो रीराइट करने से हमारे पास क्या आया है, x4 = 1 -x3 + 1.143x4 = -0.857 और उसके बाद ये वाली इक्वेशन जिसमें से हमने पिविट जो है वो डिराइव किया था एंड देन ये वाली इक्वेशन जो x1 की थी. ठीक है जी, ये इक्वेशंस जो है हमने सारी यहाँ पर लिख लेनी है. अब हम क्या करेंगे, x4 की वैल्यू जो है वो x3 में पुट करके
x3 की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे, फिर x3 और x4 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम x2 निकाल लेंगे, फिर x2 x3 x4 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम x1 निकाल लेंगे। अब आप ये देखिए कि पहले हम फॉरवर्ड जा रहे थे, अब हम जो यूज़ कर रहे हैं अप्रोच वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप करें, जिसको आप बैक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है जी, अब हमने यही काम जो है वो इसमें से किया है, x4 से हमने x3 डिराइव किया, x3 से हमने x2 डिराइव किया, x2 से हमने x1 डिराइव किया और हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। दिस अप्रोच इज बैकवर्ड अप्रोच। ठीक है जी, अब हमने जो है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। इसमें पिवट स्ट्रेटजी जो है वो क्या है कि इस पे दो डिफिकल्टीज आती हैं यूजिंग द सिंपल गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, दे आर एज फॉलोज। नंबर वन, वन ऑफ द पिवट एलिमेंट्स मे बी जीरो एंड इफ एनी पिवट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल एंड वेरी क्लोज टू जीरो, डिवीजन बाय दिस एलिमेंट टेंड्स टू मैग्नीफाई द राउंड ऑफ एरर। हाँ जी, दो इसमें जो दो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है कि आपका पिवट एलिमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपका पिवट एलिमेंट इतनी स्मॉल वैल्यू रखता हो लाइक क्लोज टू जीरो कि जब आप उससे डिवाइड करें तो और उसके बाद जो आंसर है उसको राउंड ऑफ करने के बाद एरर जनरेट हो जाए। ठीक है, तो ये दो मेथड्स होते हैं। तो दीज डिफिकल्टीज कैन बी इजीली अवॉइडेड, इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज द फर्स्ट अवेलेबल इक्वेशन एज द पिवटल इक्वेशन। जी, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस इक्वेशन को ही यूज़ कर लो जो आपकी पिविटल इक्वेशन है यानी फर्स्ट इक्वेशन, अगर वो नॉ उसमें जीरो एलिमेंट है तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज़ क्वाइट सेफ टू इंटरचेंज द रो हैविंग जीरो पिविट विद एनी अदर रो विच डज नॉट हैव अ जीरो एलिमेंट इन दैट पोजिशन, यानी x1 पे अगर पहली रो में जीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जैसे देखें मेरे पास ये दो इक्वेशंस गिवन हो, बल्कि यहाँ से इसको देखते हैं, अगर मेरे पास जैसे मैंने इसको पिवट इक्वेशन बनाया, अगर ये जो है ये जीरो होता, यहाँ पे x1 ना होता, ये इक्वेशन स्टार्ट ही x2 से हो रही होती, तो फिर मैं कैसे इसको पिवट कंसीडर कर सकती थी टू एलिमिनेट x1। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशन को रिप्लेस करके इस इक्वेशन से यहाँ पर आ जाऊँगी। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को रिप्लेस कर दूंगी इनकी पोजीशन को, इन दोनों रोज को रिप्लेस करके मैं फिर 8 को एज अ पिवट सेलेक्ट करूंगी अगर मेरे पास इस इक्वेशन में स्टार्ट में x1 की वैल्यू 0 हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपल ये बात हो रही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर देयर इज एनी प्रेफरेंस एज टू व्हिच रो इज एक्सचेंज्ड विद द वन हैविंग जीरो पिवट, ग्रेटर एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड इफ द पिवट हैज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। अगर हम एक्यूरेसी अचीव करना चाह रहे हैं तो हमने उस रो को रिप्लेस करना है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, लाइक अगर मेरे पास ये ऑप्शन है तो मैं अगर यहाँ पर जो है वो x1 गिवन ना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगी, x2 है तो मैंने यहाँ पे किसी रो को रिप्लेस करना है, तो बात ये हो रही है कि आप उस रो को रिप्लेस करें जिसमें x1 का एलिमेंट जो है, मैग्नीट्यूड जो है, कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर हो। तो मैंने जब रिप्लेसमेंट करनी है तो मैं इस रो को रिप्लेस करूँगी फर्स्ट के साथ और इसको मैं ले आऊँगी थर्ड पे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा रिजल्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, उसमें एरर के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल जो है वो पिवट स्ट्रेटजी की बात हो रही थी। और ये आपको नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन दिया गया है जो आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड से प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन, जिसको आप फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन दिस मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जी, फैक्टराइजेशन जो है वो आपने करनी है, इसको आप LU डिकम्पोजिशन मैथड भी बोलते हो, यानी लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर, L फॉर लोअर एंड U फॉर अपर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि आपकी जो डायगनल से नीचे सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों और आपके ऊपर जो है वो आपके एलिमेंट्स वर्क करें हों, या आपके अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल से नीचे जो है वो तमाम आपके एलिमेंट्स हों और ऊपर जो है आपका ज़ीरो हो, तो ये आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आता है। तो हमने जो है अपने मैट्रिक्स को डिकम्पोज इस तरीके से करना है कि हम अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जेनरेट कर सकें। हाँ जी, अब जो है इसको हम सिंपल इसका देखते हैं कि आप अपर एंड लोअर किस तरह से जनरेट करते हैं, या आपको अगर कोई इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, ये जैसे कि तीन इक्वेशंस आपको गिवन है x1 x2 x3 वेरिएबल्स के साथ, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax = b, जैसे हमने अभी गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में किया था।
कि हमने इस इक्वेशन को जो है वो ax इज इक्वल टू बी में लिख लिया था। अच्छा जी, सॉरी, गॉसियन में नहीं, हमने क्रामर रूल में लिखा था। अब नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा, हम ए को टेक्स द फॉर्म ए इज इक्वल टू एल यू, ए जो है वो एल यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। अब एल जो है वो कैसे हमने करना है कि डायगनल वन रखते हुए ऊपर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो और नीचे सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके जैसे एल टू वन, एल थ्री वन, एल थ्री टू। एल टू वन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को, और इसी तरह से एल थ्री वन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को, और इसी तरह से आपने जो है ये यू मैट्रिक्स जो है इसको भी आपने इस तरीके से लिखना है, यू वन वन, वन टू वन थ्री, टू 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 थ्री, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से हमने इसको जो है अपर एंड लोअर में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमें जो है इक्वेशन गिवन है, तीन इक्वेशंस हैं आपके पास, तीन वेरिएबल्स हैं और हमने इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हम जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू एल यू है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जर्नल जो है उनकी इक्वेशंस जो हमने अभी पीछे देखी थी हमने वो लिख ली। ठीक है, जर्नल इक्वेशंस लिखने के बाद मैंने ए मैट्रिक्स जो हमें यहाँ से हमने डिराइव किया है 4, 5, -2, 2, 3, 1, 2, 4, 4 वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, इन दो को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई एल एंड यू, एल को यू के साथ मल्टीप्लाई किया सिंपल हमने, तो हमारे पास ये एक फॉर्म जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, ये एक फॉर्म आ गई। अब आप इसमें देखें कि यू वन वन की वैल्यू 4 है, यू वन टू की वैल्यू 5 है, यू वन थ्री की वैल्यू -2 है। अब रो वाइज जो है हमने अपने आंसर्स डिटरमिन कर लेने हैं रो वाइज। ठीक है, जिस पोजीशन पे जौन सा एलिमेंट है उस पोजीशन के इक्वल हमने उसको कंसीडर कर लेना है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो है वो आंसर्स आ जाएंगे। अब सेकंड जो था उसमें एल टू वन एंड यू वन वन था जी, तो उस पे जो है वो आपके पास 2 के इक्वल आ रहा है, और ये वाला जो है यानी एल टू वन एंड यू वन वन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सारी वैल्यूज को लिख के डिटर्मिन कर सकते हैं, और ए इज इक्वल्स टू एल यू आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे इन मैट्रिक्स के अंदर, ये वाले मैट्रिक्स जो है एल और यू के जनरल मैट्रिक्स उसमें हमने इन वैल्यूज को पुट करना है जो हमने बाय दिस कंप्यूटेशन डिराइव की है जी। तो हमारे पास जो है वो ये आपके पास आ जाएगा एक नया मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एल यू का। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो है ये लोअर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ चुका है। अब हमारे पास क्योंकि इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और ए जो है वो एल यू के बराबर होता है, तो एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है जी, तो अब हमने जो है यहाँ से सिंपल एक एक्सपोज कर लेना है मैट्रिक्स कि वाई मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है जी, वाई मैट्रिक्स हमारे पास है, हमने एक्चुअली ये वाली फॉर्म जो है ना वो बनानी है। यहाँ पर अब तीन मैट्रिक्स आ रहे हैं तो हमने टू में उसको कन्वर्ट करना है, तो हम एल वाई इज इक्वल्स टू बी के साथ जो है वो ड्राइव करेंगे। वाई हमने एक्सपोज कर लिया है जितने हमारे पास वेरिएबल्स एक्स के थे उसके अकॉर्डिंग जी, तो एल मैट्रिक्स हमने लिखा, वाई मैट्रिक्स लिखा, और उसकी वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पर आई थी हमने वो जो है वो डिटरमिन कर लेनी है ये वाली। ठीक है जी, ये बी का जो आपका आंसर था। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है इन इक्वेशंस की। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ आपने चलना है, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × y1 प्लस 0 × y2 प्लस 0 × y3। ठीक है, आपने जो है ये रूल फॉलो करना है कि हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आपस में सम करना है, तो ये सिंपल जो है y1 आ जाएगा और वो आपका आंसर 5.6 है। नेक्स्ट हम करेंगे तो y1/2 प्लस y2 और आगे y3 का आंसर 0 क्योंकि 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1.3, और सिमिलरली ये जो है हमारे पास 9.5 के इक्वल आ जाएगा। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, y1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे
तो हम y2 डिराइव कर सकते हैं, और y1 y2 की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हम y1 की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उससे जो है हमने सिंपल ये आंसर्स अपने कंप्यूट कर लिए। अब हमने क्या करना है, ux इज इक्वल्स टू y कंसीडर कर लेना है। अब जो हमारा y मैट्रिक्स आया है ये 5.6, 1.6 और 11.2। अब हमने जो है ux इज इक्वल्स टू y कंसीडर कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन में से हमने ux इज इक्वल्स टू y कंसीडर कर लेना है। अब y वाला मैट्रिक्स जो है हमने लिख लिया, जो हमने l के साथ डिनोट किया था, ये x1 x2 और ये u मैट्रिक्स जो हमने डिराइव किया है। सिंपल वही हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसकी आंसर्स जो है वो सब्सटीट्यूट करने हैं। ये जो क्योंकि हमारी अपर में आ रही है, यानी हमने जो है अपर ट्रायंगुलर u में करना होता है, तो हम अपर के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर जो है हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पर अप्रोच यूज़ होती है। इसकी वैल्यू इसमें पुट करें, x2 डिटरमिन कर लें, x2 और x3 की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आप x1 डिटरमिन कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह से जो आपके x1, x2, x3 का आंसर है वो आप कंप्यूट कर लेंगे। तो ये सिंपल मेथड है जो हम अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं। आपने जनरल इक्वेशन मैट्रिक्स जो है वो इसमें ये वाले कंसीडर करने हैं फॉर एल एंड फॉर यू। ठीक है जी, इसी के साथ आपने जो है अपने आंसर्स को मज़ीद आगे लेकर चलना है, रो वाइज इसमें से अपने आंसर्स डिटरमिन करने हैं, और फिर इनको पुट करते हुए आपने अपनी वैल्यूज़ जो है x1, x2, x3 की वो डिटरमिन करनी है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कंप्यूट करना है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।